हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं फिर से एक बार आपका अपने यूपी बीएड एंट्रेंस। जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे उस सभी क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे और इस वीडियो में देखेंगे जितने भी टाइप के आपके हिंदी के क्वेश्चन बने थे वो सभी रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस क्वेश्चन के माध्यम से अपने सारे क्वेश्चन भी मिला भी सकते हैं कि आपने अपने एग्जाम में कितना सही अटेम्प्ट किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, ये सभी रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन हैं। जितने भी लोगों एग्जाम दिए थे वो सभी लोग इस क्वेश्चन को देख पाएंगे कि रियल है या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, क का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों, क ख ग घ जितना भी होता है दोस्तों अंग तक, ये सब क्या होता है, क ख ग घ तक क्या होता है, सब कंठ से उच्चारित किया जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन राइट हो जाएगा कंठ। तो राइट आंसर आपसा कंठ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पूछा है संज्ञा कितनी प्रकार की होती है। तो दोस्तों, हिंदी में जो संज्ञा होती है आपकी टोटल 5 प्रकार की होती है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा आपका 5। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन दिया है ई, जो ई का उच्चारण स्थान पूछा दोस्तों पूछा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई का उच्चारण स्थान तालव्य। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आपका एक समास से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, इसमें पूछा था चरण कमल में कौन सा समास है। तो दोस्तों, चरण कमल में आपका कर्मधार है समास है। दोस्तों, हमने सभी ऑप्शन इसलिए नहीं लिखा है कि सभी ऑप्शन लिखने में थोड़ा वीडियो भी लंबी हो जाती है और दोस्तों बड़ी भी बन जाती और टाइम भी अधिक लगता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए हमने क्वेश्चन के साथ आपको एक आंसर सिर्फ लिखा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तपोवन में संधि विच्छेद पूछा है। तो तपोवन का संधि विच्छेद होता है तप धन उपवन। पहला ऑप्शन था दोस्तों जो आपका एग्जाम में आया था वो ऑप्शन नंबर ए राइट था, उसमें तपो वन। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं। दोस्तों, जो हमारी हिंदी वर्णमाला होती है 41 दोस्तों व्यंजन होते हैं और 11 लगभग स्वर होते हैं। तो दोनों मिला के कितने हो जाते हैं दोस्तों आपका 52। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 52 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। तो दोस्तों, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, इसमें सर्वनाम पूछा है। तो स्वयं का मतलब स्वयं निज का हो जाता है दोस्तों, तो इस तरह इसमें होगा निजवाचक सर्वनाम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा था ल कौन सा व्यंजन है। तो दोस्तों, ल के बारे में पूछा था, तो ल आपका हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा अंतस्थ। उज्ज्वल का सही प्रकार पूछा था दोस्तों, सही प्रकार का मतलब दोस्तों उज्ज्वल पूछा था कि उज्ज्वल का सही रूप क्या है, मतलब लिखा था उज्ज्वल, उज्ज्वल के बारे में बताना है। तो दोस्तों देखिए, वीडियो में हमने लिख दिया दोस्तों उज्ज्वल, ऊ आधा ज फिर आधा ज फिर व फिर ल। दोस्तों उज्ज्वल इस तरह से लिखा जाता है, उसमें कई तरह के आपको लिख के बताया। तो दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंथन का सही अर्थ क्या है। दोस्तों, मंथन का सही अर्थ होता है मन का मथने वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मन का मथने वाला। दोस्तों, आप सभी मिला सकते हैं कि आपके कितने आंसर आए होंगे। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का, हिंदी में कितने लिंग होते हैं। तो दोस्तों, हिंदी में टोटल 2 प्रकार के लिंग होते हैं दोस्तों, क्योंकि संस्कृत में आपका 3 होता है लेकिन हिंदी में आपका 2 होता है। संस्कृत में 3 और हिंदी में 2, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कलियां किस प्रकार का बहुवचन है। तो कलियां किसका बहुवचन है दोस्तों पूछा था, कलियां किसका बहुवचन है। तो कलियां कली शब्द का बहुवचन है। तो कली शब्द आप देख सकते हैं नीचे हमने आंसर में लिखा है, तो कलियां कली का बहुवचन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से है, अगले क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ नहीं पूछा है, इसका मतलब दोस्तों ये शब्द अलंकार उपमा अलंकार नहीं है। दोस्तों, शब्द अलंकार के जो भेद होते हैं, अनुप्रास होता है, यमक होता है और श्लेष होता है। और तो दोस्तों, और हम अर्थालंकार की बात करें तो अर्थालंकार में उपमा, उत्प्रेक्षा और बाकी सब आ जाते हैं। तो यहाँ से उपमा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पश्चिम हिंदी की खड़ी बोलियों का सही युग्म क्या है। तो दोस्तों, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से आपका खड़ी बोली का संबंध बुंदेलखंड से दिया था, बुंदेली से। तो ये आपका राइट आंसर था बुंदेली, खड़ी बोली और बुंदेली उसमें से सही सुलमित था। तो यहाँ से राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। चलिए आपका अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। दोस्तों, जो तत्सम शब्द होता है वो संस्कृत का होता है, तद्भव उसका हिंदी रूपांतरण होता है। तो सोना दोस्तों इसमें राइट आंसर था कि सोना आपका तत्सम नहीं है, क्योंकि सोना का तत्सम जो शब्द होता है क्या होता है, स्वर्ण। उसी प्रकार रात का रात्रि, तत्सम मतलब होता है शुद्ध संस्कृत वर्ड होता है, उसको तत्सम बोलते हैं, तद्भव का हिंदी शब्द होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्रमागत ग्रामगत, ग्रामगत में कौन सा समास है। दोस्तों, ग्रामगत में पूछा था, तो ग्रामगत में आपका बहु, सॉरी दोस्तों, ग्रामगत में आपका तत्पुरुष समास है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज नहीं है। तो दोस्तों, विदेशज के मतलब होता है दोस्तों जो थोड़ा सा विदेशी लैंग्वेज में जाए, जैसे मशीन हो गया,
ट्रेन हो गया, ये सब आपके क्या है दोस्तों, विदेशी शब्द है। तो यहाँ से उसमें चार ऑप्शन में ऑप्शन थर्ड डी वाला था, उसमें दिया था डीबिया, तो डीबिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका देशज शब्द है, विदेशज नहीं है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, जिसका आदि ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है। तो जिस चीज़ का आदि ना हो दोस्तों उसको क्या कहते हैं एक शब्द में, अनादि बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अनादि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें पूछा है शायद राम बाजार जाएगा इस वाक्य में क्या है। तो दोस्तों इसमें क्या है, संदेह वाचक, क्योंकि यहाँ शायद जब लग गया तो शायद से आप जानते हैं दोस्तों संदेह का इसमें संभावना की गई, तो शायद राम बाजार जाएगा, इसका मतलब संदेह वाचक वाक्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्यवहारिक रूप से हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ हैं। तो दोस्तों व्यवहारिक रूप से हिंदी भाषा में टोटल 18 बोलियाँ हैं, उस तरह से आपकी 22 बोली है। तो व्यवहारिक रूप से अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा 18। भी तो जैसा किस प्रकार का शब्द है दोस्तों, जो दिया है भी और तो जैसा किस प्रकार का शब्द है, तो ये हो जाएगा आपका निपात शब्द। यहाँ से निपात आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए ये आपका दिया है, इस तरह एक चिन्ह बना के दिया, इसमें पूछा है यह किस चीज़ का विराम है। तो दोस्तों इसको अर्धविराम बोलते हैं। पूर्ण विराम दोस्तों आपका पूरा होता है, लेकिन अर्धविराम में एक बिंदी देकर उसके नीचे थोड़ा सा इस तरह घुमा दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं अर्धविराम। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, बोला है हरे हरे पात व्यक्ति में हरे हरे क्या है। दोस्तों हरे हरे पात का मतलब हरा हरा पत्ता, हरा हरा क्या है दोस्तों, उसकी विशेषता बता रहा है, जो पत्ता है क्या है, हरा हरा है। तो इस तरह इसका आंसर राइट हो जाएगा विशेषण, तो विशेषता बता रहा है इसलिए हो जाएगा विशेषण। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन है दोस्तों। मैं मेरा काम स्वयं करता हूँ मैं कौन सा सर्वनाम शायद पूछा था। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ मैं मेरा मतलब मैं स्वयं अपना काम करता हूँ, तो इसका हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, तो यहाँ से हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि ऐसी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अगले वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे हो सकता है रीजनिंग की, रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आए थे और मैथ के सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।